बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त बड़े अफसोस के साथ वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं रईसाबाद लंबा का एरिया मौलाना तारक जमील का जो गांव है वहाँ पे मौजूद हूँ। ये पीछे आप मौलाना तारक जमील साहब की मस्जिद जो है जहाँ पे वो अक्सर जुमा पढ़ाते हैं या ईद का जो होता है त्यौहार वो यहाँ मनाया जाता है। तो आज मैं मौजूद हूँ मौलाना तारक जमील का साहब का जो आबाई कब्रस्तान है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मौलाना तारक जमील की फैमिली जो है उनको सुपुर्द खाक किया गया है। तो आसम जमील साहब की कब्र जो है वो भी इस साइड पे, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे आसम साहब को जो है खाक में जो है यानी कि मिट्टी में, जब बंदा मर जाए तो मिट्टी में उसको दफन कर दिया जाता है। तो चलते हैं कब्र पे और फातह खानी करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इनको जन्नत अलफरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नाज़रीन, ये भी बताता चलूँ कि अभी अभी जो है मुझे इतला मिली है कि जो आसम जमील साहब का दोस्त था पागल, वो भी यहीं पे आया था और कब्र पे रो रो के वापस गया है। जी नाज़रीन, हमने फातह खानी कर ली है और अल्लाह ताला से फिर गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ के मिन्नत करते हैं कि अल्लाह ताला इनके जो भी सगीरा कबीरा गुनाह थे माफ़ फरमाए और इनके सदके हमें भी माफ़ फरमाए, हमसे जो गलतियाँ कुताई हुई हैं, और इनकी जो फैमिली है, इनके जो रिश्तेदार हैं, उनको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। तो इसी के साथ अपने होस्ट ग़ुलाम असफ़ा सिंधु को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।